हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फैंटेसी एक्सपर्ट। तो दोस्तों, ड्रीम इलेवन में हमेशा प्रॉफिट कैसे कमाएं, अगर आप चाहते हैं फैंटेसी में रोजाना विन करना, रोजाना प्रॉफिट कमाना, तो फिर ये दो लॉजिक के साथ आपको खेलना होगा, क्योंकि डेली फैंटेसी में आप कुछ ना कुछ लॉस करवा ही लेते हो। और आप ही नहीं, आपके जैसा 95% लोग ऐसे हैं जो डेली फैंटेसी में अपना लॉस करवा ही लेते हैं, और ये 95% लोगों का बेनिफिट सिर्फ 5% लोग उठाते हैं, वो भी बड़े लेवल पे। वो 5% लोग इसीलिए प्रॉफिट बना लेते हैं क्योंकि वो एक लॉजिक और स्ट्रेटेजी पे खेलते हैं। अगर आप भी उन्हीं 5% लोगों में रहना चाहते हो, बड़े लेवल पे प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो फिर आपको भी उन्हीं लॉजिक उन्हीं स्ट्रेटेजी पे खेलना होगा। आप डेली खेलते हो फैंटेसी, आपका कुछ ना कुछ लॉस लग ही जाता है, और यही धीरे धीरे आपको कुछ दिनों के बाद एक बड़ा अमाउंट लॉस हो जाता है। जबकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता रहता है कि सर, मेरा बहुत सारा अमाउंट लॉस में है, कैसे रिकवर। तो इसलिए आपको लगातार फैंटेसी में प्रॉफिट बनाना है, तो फिर आपको ये दो तरीके से खेलना होगा। फैंटेसी में लगातार प्रॉफिट बनाने का ये पहला ऐसा ट्रिक है जिससे कि आप फैंटेसी में लगातार प्रॉफिट बना सकते हो। ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों का इसी तरह प्यार मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सीधा नोटिफिकेशन में मिलता रहे। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां आपको किसी भी मैच की ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम तो मिलती ही है, साथ ही साथ मैच प्रिडिक्शन, कोई भी न्यूज अपडेट आते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाता है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन अप कर दिया है। आप जाओ मेरे टेलीग्राम लिंक से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करते हैं कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया। फैंटेसी में लगातार प्रॉफिट बनाने के लिए आपको टीम का कंडीशन को समझना होता है। जब तक आप टीम का कंडीशन को नहीं समझोगे कि आपकी किस लेवल की टीम बनी है, आप किस तरह के कॉन्टेस्ट में टीम ज्वाइन कर सकते हो, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर आप स्मॉल लीग की टीम से ग्रैंड लीग ज्वाइन करते हो तो भी आप विनिंग नहीं कर सकते। अगर आप ग्रैंड लीग की टीम को स्मॉल लीग में ज्वाइन करते हो तो भी आप विनिंग नहीं कर सकते। दोनों टीम का अलग अलग कंडीशन होता है। स्मॉल लीग में सेफ प्लेयर को लेकर जाया जाता है, बस एकाध प्लेयर यूनिक किया जाता है, जबकि ग्रैंड लीग में आपको 3 से 4 यूनिक प्लेयर ऐड किया जाता है, जो उस मैच के बेस्ट परफॉर्मर प्लेयर रहते हैं। तो सबसे पहले आपको टीम का कंडीशन ही समझना होगा, तब जाकर आप कॉन्टेस्ट डिसाइड कर सकते हो। वैसे कॉन्टेस्ट 3 ही कंडीशन में रहता है, एक स्मॉल लीग होता है, एक मिनी ग्रैंड लीग होता है, एक मेगा ग्रैंड लीग होता है। अगर आप लगातार फैंटेसी में प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप ग्रैंड लीग भी खेलो, साथ में आपको स्मॉल लीग भी खेलना होगा, और स्मॉल लीग के साथ आप मिनी ग्रैंड लीग खेलते हो तो आपके लिए और भी ज्यादा बेस्ट। आप ड्रीम इलेवन जब भी खेलने जाते हो तो ऊपर में ही आपको मेगा ग्रैंड लीग दिखता है, टॉप का कॉन्टेस्ट दिखता है, बस उसी पे फोकस कर लेते हो। आप कभी भी स्क्रॉल करके नहीं देखते हो कि नीचे क्या है। अगर आप मेगा ग्रैंड लीग में 1000-2000 रैंक आपका आ जाता है, वहां पे आपका ज्यादा से ज्यादा एंट्री या 100 रुपया आता है, कुछ ही बढ़ा कर आता है, जबकि आप उसी टीम से आप चाहें तो मिनी ग्रैंड लीग खेलकर एक अच्छा खासा अमाउंट को विन कर सकते हो। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो मिडिल में आपको मिनी ग्रैंड लीग, जहां पे मेंबर काफी कम रहते हैं, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री ज्यादा रहता है, जबकि प्राइस देखोगे तो यहाँ पे भी बड़े लेवल पे प्राइस मिलता है। आप बहुत सारा स्क्रॉल करके बहुत सारे कॉन्टेस्ट को देख सकते हो, इस तरह के कॉन्टेस्ट आपको दिखते हैं, यहाँ पे एंट्री फीस थोड़ा आपको ज्यादा देने पड़ सकते हैं, जबकि मेंबर बहुत ही कम रहते हैं। विनिंग परसेंट देखोगे तो 60%, 50% इस तरह का रहता है, जबकि प्राइज अच्छे खासे मिलते हैं। यहाँ पे आप एक सेफ टीम से यहाँ पे कॉन्टेस्ट जीत सकते हो। यहाँ पे आप एकाध प्लेयर पे यूनिक कर देते हो तो भी आप रैंक 1 आकर अच्छे खासे अमाउंट को विन कर सकते हो, जबकि विनिंग परसेंटेज अच्छा खासा रहता है, 50 से 60% तक आप विनिंग जोन में रह सकते हो, यानी कि आपका एंट्री फीस तो वापिस आ ही सकता है अगर आप अच्छी खासी टीम बना लेते हो। अगर आप थोड़ा यूनिक कर देते हो तो आप आसानी से 1 रैंक आ सकते हो, जबकि ऊपर उससे ऊपर अगर आप उससे थोड़ा कम अमाउंट वाला कॉन्टेस्ट खेलना चाहो तो आप इस तरह के कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। यहाँ पे भी मेंबर कम ही रहते हैं, जबकि प्राइस यहाँ पे अच्छे खासे मिलते हैं, तो आप इस तरह के कॉन्टेस्ट खेला करो। साथ ही साथ आपको लगातार प्रॉफिट बनाने के लिए आपको स्मॉल लीग भी खेलना होगा, जो कि 3 से 4 मेंबर का कॉन्टेस्ट होता है, 20 मेंबर तक का कॉन्टेस्ट होता है। इस तरह के कॉन्टेस्ट को खेलोगे तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 250 मेंबर है, 225 मेंबर है, और 1700 प्राइस है, 99 एंट्री अमाउंट है, तो यहाँ पे इस तरह के कॉन्टेस्ट खेलो। यहाँ पे भी 149 रुपये है, यहाँ पे 22000 मेंबर है, जबकि 3 लाख फर्स्ट प्राइज दिया जाता है, तो इस तरह के कॉन्टेस्ट खेलोगे तो यहाँ पे आप ये समझो कि 10-15 मैच में आप एक मैच में 1 रैंक आ सकते हो, जो कि अच्छा खासा अमाउंट को विन कर सकते हो।
जबकि मेगा ग्रैंड लीग में आप लगातार खेल रहे हो, तीन चार साल से खेल रहे हो, आप रैंक वन नहीं आ पा रहे हो। तो तीन चार साल से खेल रहे हो फिर भी आप रैंक वन नहीं आ पा रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस तरह से खेल रहे हो तो आप रैंक वन ना आ पाओ, ऐसा भी हो सकता है। जबकि आप मिनी ग्रैंड लीग खेलोगे तो आप 10-15 मैच में, एक आध मैच में आप रैंक वन आ ही जाओगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता रहता है कि आप कभी विन किए हो या नहीं किए हो, तो देखो सबसे पहले मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये मेरा खुद का विनिंग है। वैसे मैं जो अभी 5 T20 का सीरीज इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया था, वहां पे भी मैं एक मैच में मिनी ग्रैंड लीग विन किया हूँ, जिसका हमने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था। जबकि इसी चैनल पे आपको बहुत सारे मेरे विनिंग का लाइव वीडियो आपको दिख जाएगा, आप देख सकते हो, इसी चैनल पे आपको दिख जाएगा। तो ज्यादा मैं मेगा ग्रैंड लीग पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं ज्यादातर मिनी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग खेल। दूसरा, आपको इन्वेस्टमेंट प्लान देखना होगा। इन्वेस्टमेंट प्लान फैंटेसी में बहुत अहम है, क्योंकि आप कभी जीतते हो कभी हारते हो। कभी जीतते हो तो अगले मैच में आप पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देते हो, उस मैच को हार जाते हो तो फिर आपका पूरा का पूरा अमाउंट लॉस हो जाता है। जबकि जो लोग फैंटेसी में लगातार प्रॉफिट बनाते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान पे खेलते हैं, वो भी कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। देखो फैंटेसी को लगातार कोई विन कर ही नहीं सकता, ये माइंड में सेट कर लो। तो आप भी कभी विन करते हो कभी हारते हो, लेकिन आप लोग प्रॉफिट नहीं बना। जबकि जो लोग फैंटेसी में इन्वेस्टमेंट प्लान पे खेलते हैं वो लगातार प्रॉफिट बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए सबसे पहले आपको बजट सेट करना होगा, क्योंकि कभी कभी आप गलती करते हो। सपोज दैट आप एक मेगा ग्रैंड लीग का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, 49 रुपए का कॉन्टेस्ट है, तो आप एक टीम बनाए, 49 रुपए डिपोजिट करके टीम ज्वाइन कर दिए, और आप सोचते हो कि चलो यार 49 रुपए ही तो लगा है, आप हार गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, और यही धीरे धीरे एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, कभी 100 रुपए डिपोजिट किए, कभी 200 रुपए किए और हार गए तो फिर किए, हार गए तो फिर किए। इस तरह का डिपोजिट जो है लगातार करते रहोगे तो आप लगातार लॉस में ही रहोगे। तो आप ये जो आप डेली बाय डेली डिपॉजिट करते हो, तो इसी का टोटल बैलेंस को आप एक बार डिपॉजिट करो। सपोज डेट आप 15 दिन में कितना पैसा डिपॉजिट करते हो उसको एक ही बार में डिपॉजिट कर लो। तो डिपॉजिट का एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। सपोज डेट आपके पास कितना होगा वो आपको पता है। मेरे पास सपोज डेट मान लेते हैं कि मेरे पास 5000 रुपए है, तो मैं 5000 एक ही बार डिपॉजिट करूंगा, और इसमें मैं इन्वेस्टमेंट प्लान सेट करूंगा। ये नहीं कि 5000 डिपॉजिट किया तो 5000 को एक ही मैच में सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया, और अगर लॉस कर गया तो सारा अमाउंट मेरा गया, अगर जीता तो मेरा डबल ट्रिपल अमाउंट बन गया। तो ऐसा नहीं करना है। आपको 5000 रुपए हैं तो आपको 5 मैच में कम से कम डिवाइड करने हैं। अगर आप ज्यादा मैच हारते हो तो आप 10 मैच में भी डिवाइड कर सकते हो। देखो मैं 5 मैच में कम से कम 3 मैच जीत ही जाता हूँ, तो इसलिए मैं 4 ही मैच का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया हूँ। वैसे आप 5 मैच 10 मैच का बना सकती हो। इन्वेस्टमेंट प्लान आपका कैसा रहना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए। जैसा कि मेरे पास टोटल अमाउंट जो है वो 5000 है, तो पहले मैच का इन्वेस्ट जो बनाया हूँ वो बढ़ते क्रम में बनाया हूँ। पहले मैच का 500, दूसरे मैच का 1000, तीसरे मैच का 1500 और चौथे मैच का 2000, इस तरह से बढ़ते क्रम में बनाया हूँ। और इसको इन्वेस्ट कैसे करना है, तो आप देख लो मेरे पास टोटल 5000 अमाउंट है, तो पहले मैच में 500 रुपया इन्वेस्ट करूंगा। तो चलो मेरे पास 5000 है, पहले मैच में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 500, फिर भी मेरे पास 4500 अमाउंट है अभी बचा हुआ। सपोज डेट मान लेते हैं कि पहले मैच में हमने लॉस कर गया, तो यहाँ पे क्या करना है, अगले मैच में जो इन्वेस्ट बढ़ाया हूँ तो अगले मैच में बढ़ाना है, मतलब कि अगला मैच का इन्वेस्ट जो है वो 1000 करना है। फिर भी मेरे पास कुछ बैलेंस रहेगा आगे खेलने के लिए, जबकि पिछले मैच में हमने 500 लॉस कर गया और सेकेंड मैच का 1000 इन्वेस्ट हो गया। मान लेते हैं कि सेकेंड मैच में हमने विन कर गया, तो विन करेंगे तो यहाँ पे 1000 का ऐसा नहीं है कि मैं 1000 का 1000 विन करूंगा। अगर 4 मेंबर का कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ तो कम से कम यहाँ पे जो है वो 3500 रुपया मेरा अमाउंट बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो कि मेरा जो पहला 500 लॉस है, जबकि दूसरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000 है, तो टोटल मेरा अमाउंट जो है वो 1500 हो गया। लेकिन मैं विन कितना किया, विन किया मैं टोटल 3500, तो 1500 घटा भी दोगे तो भी आपका प्रॉफिट जो है वो 2000 हो जाएगा। मान लेते हैं कि दूसरा मैच भी हमने लॉस कर गया, तो तीसरे मैच पे मुझे 1500 इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हमने पहला मैच 500 लॉस कर गया, दूसरा मैच 1000 लॉस कर गया,
और तीसरे मैच में 1500 इन्वेस्ट करना है, फिर भी अपने पास बैलेंस रहेगा अगला मैच खेलने के लिए। और मान लेते हैं कि मैं 1500 वाला विन कर गया, तो 1500 वाला विन किया तो यहाँ पे 1500 का विन करूंगा तो कम से कम 4000 तो विन करूंगा ही। तो मेरा जो इन्वेस्ट है, पहला 500, दूसरा 1000, 1500 हुआ और 15, 3000 मेरा इन्वेस्ट हो गया, जो कि 1500 मेरा लॉस है और 1500 इन्वेस्ट है। तो टोटल 3000 मेरा इन्वेस्ट हो गया और जीत कितना रहा हूँ 4000 से 4500, फिर भी मेरा 1000 से 1500 प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पे करना क्या है कि जैसे ही यहाँ पे आप जो खेल रहे हो, ये मेरा इन्वेस्ट पहला है, दूसरा है, तीसरा है, स्टेप तभी बढ़ाना है जब तक आप हारते रहोगे। यहाँ पे आपको बढ़ते क्रम में इन्वेस्ट भी करना है। ये स्टेप ऐसा है, सपोज डेट आपने पहला मैच लॉस कर गया तभी दूसरे स्टेप पे जाना है। और हाँ, जहाँ पे आप विन करोगे, सपोज डेट आप पहला भी हार गए, दूसरा भी हार गए, तीसरा विन कर गए, तो ये नहीं कि तीसरा विन कर गए तो आपको अगले जो चौथे मैच खेलना है उसमें अगले इन्वेस्ट का जो अमाउंट है उसको लगाना है, वो नहीं। आप जहाँ पे विन करोगे आपका जो प्लान होगा वो फिर से स्टार्टिंग पे आ जाएगा, मतलब कि आप जो स्टेप पे जीतोगे फिर से आपका स्टेप जो है पहले से स्टार्ट हो जाएगा। सपोज डेट मैं पहला खेला और पहले में ही विन कर गया तो अगले मैच में भी 500 ही इन्वेस्ट करना है, अगर फिर विन कर गया तो फिर अगले मैच में भी 500 ही करना है, इसमें बढ़ना नहीं है। विनिंग पे आपको नहीं बढ़ना है, हारने पे स्टेप बढ़ाना है ताकि आपका लॉस के साथ आपका प्रॉफिट भी आ जाए। हारने के बाद आप बढ़ोगे तो आपका जो लॉस हुआ रहेगा वो रिकवर हो जाएगा, साथ में प्रॉफिट भी देकर जाएगा। पहले मैच में हमने 500 रुपया इन्वेस्ट किया, हमने जीत गया, और अगले मैच में मैं अगला स्टेप ले लूंगा 1000 का, वो हार गया तो मेरा लॉस ही होगा ना, प्रॉफिट कहाँ होगा। आपको इसी तरह खेलना है। और हाँ, इसके लिए आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितना मैच जीत लेते हो। जैसा कि मैं 5 मैच में 3 मैच जीत ही लेता हूँ, 3 नहीं तो 2 तो जीत ही लेता हूँ, तो मैं 4 ही मैच का इन्वेस्ट किया हूँ। बाकी अगर आप ज्यादा मैच हारते हो तो आप 5 मैच का, 10 मैच का इस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान बना ले और बढ़ते क्रम में, यही अगर इसी का मैं 10 प्लान बनाऊं तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास 5000 है तो पहले मैच में 200 या 300 इन्वेस्ट करूँ, दूसरे मैच में 500 करूँ, तीसरे मैच में 700 करूँ, तो इस तरह से बढ़ते क्रम में आप बना सकते हैं। बाकी आप अपने अमाउंट के हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपका जहाँ पे प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को सेव कर लेना, मतलब कि अगर आप विड्रॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप वॉलेट में ही सेव कर लेना। आप यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आपको फैंटेसी में ओवर कॉन्फिडेंस होना ही नहीं है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, लालच में नहीं आना है। आप जहाँ पे विन कर रहे हो पहले स्टेप पे इस तरह से आपको लगातार जो है 5 मैच खेलने हैं, 5 मैच का आप खेलोगे तो 5 मैच में आपको कुछ ना कुछ अच्छे खासे प्रॉफिट मिल जाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो विड्रॉल कर सकते हैं, नहीं तो उसी में टोटल अमाउंट ऐड करके आप अगला इन्वेस्ट प्लान जो बनाना, तो आपके पास जितना प्रॉफिट बनेगा तो टोटल अमाउंट का फिर से आप इन्वेस्टमेंट प्लान बना लेना। तो इस तरह से आप करते रहोगे, मैं तो कहूंगा कि आपका ये जो 5 मैच खेले, 5 मैच के बाद आपका जितना प्रॉफिट बन रहा है उसको आप विड्रॉल कर दे और फिर आप 5000 से ही स्टार्ट करें, उसके बाद फिर आपको उसी प्लान से खेलना है। इस तरह से आप खेलते रहोगे तो आपका लगातार प्रॉफिट होता रहेगा, क्योंकि आप कभी हारोगे कभी जीतोगे तो इस तरह से आपका बैलेंस जो है वो बैकअप बना रहेगा, और बैकअप बना रहेगा आपका प्रॉफिट आता रहेगा। इसमें करना क्या है कि सपोज डेट आपने पहले मैच में 500 इन्वेस्ट किया तो 500 में एक ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करना, ये सबसे बड़ा गलत पॉइंट है। आप कम से कम जैसे कि 500 कर रहे हो तो इसमें कम से कम 10 कॉन्टेस्ट ऐसा ज्वाइन पे 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने होंगे। तो 10 कॉन्टेस्ट जैसे कि 49 रुपए वाला भी कॉन्टेस्ट आता है, 4 मेंबर में आपको 180 रुपए मिलते हैं, तो उस तरह के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरह आप 1000 खेलते हो, मतलब किसी भी स्टेट में जाते हो, तो कम से कम आप जो है वो 10 कॉन्टेस्ट जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कभी कभी आपके साथ होता है कि आप एक ही टीम से 10-20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो कोई कॉन्टेस्ट आपका विन हो जाता है, कोई कॉन्टेस्ट आपका लॉस हो जाता है, क्योंकि आपके ओपोनेंट पे डिपेंड होता है। तो इसलिए आप ज्यादा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे तो आपके लॉस लगने की संभावना कम रहेगा। बाकी बैकअप में आपको कुछ कॉन्टेस्ट विनिंग करा के देगा जो कि आपका अमाउंट एंट्री जो है वो वापिस करा देगा। इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान पे खेलने के लिए आपको टीम में 1 से 2 प्लेयर पे रिस्क लेना होगा। आप रिस्की टीम बनाओगे तो ऐसा होगा कि जैसे कि आपने 500 रुपए में 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है तो आपका यूनिक टीम है, तो आप 200 के 200 कॉन्टेस्ट जो है वो अल्ट्रा क्लीन मार सकते हो, आप 200 कॉन्टेस्ट विन कर जाओगे।
या ऐसा कभी कभी होगा कि आप जिस दिन लॉस करोगे तो आपका दसों का दसों लॉस हो जाएगा। तो मैं अपने टीम में रिस्क लेता हूं, लेकिन रिस्क तभी लेना जब आपको पता हो, रिसर्च कर लिए हो प्लेयर का कि ये प्लेयर परफॉर्म करेंगे, ये प्लेयर फ्लॉप जा सकते हैं, तो उस तरह के कंडीशन में आप रिस्क ले सकते हो। ये नहीं कि तुक्के के बेस पर किसी भी प्लेयर को ड्रॉप कर दिए, किसी भी प्लेयर को पिक कर लिए, तो इस तरह के प्लेयर को पिक ड्रॉप नहीं करना। मैं जो प्लेयर पे रिस्क लेता हूँ या ड्रॉप करता हूँ तो उसके लिए मैं काफी रिसर्च करता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये प्लेयर फ्लॉप जा सकते हैं। देखो प्लेयर का 100% कॉन्फिडेंस पे आप नहीं ड्रॉप कर सकते कि ये फ्लॉप होंगे ही होंगे। कुछ प्लेयर के बैटल होते हैं और कुछ वेन्यू परफॉर्मेंस, अगेंस्ट परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज होती है जिसको देखने के बाद पता चल जाता है कि ये प्लेयर फ्लॉप जा सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस तरह के कंडीशन पे आप इस तरह के इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी सिंपल सी बात है, मैं जो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया हूँ, आप जाओ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहाँ आपको प्रॉपर स्मॉल लीग की टीम लगातार दी जाती है और आप इसी इन्वेस्टमेंट प्लान से खेलना, क्योंकि मेरी टीम रहती है, आप विन करोगे तो एक तरफा जैकपॉट मारोगे, लगातार सारे कॉन्टेस्ट जीत जाओ। तो इस तरह से आपको खेलना है और लगातार बढ़ते क्रम में ही खेलना है। आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान कितने मैच का रखोगे, मैं 4 मैच का रखा हूँ, आप 5 मैच, 10 मैच, जितना का चाहो रख सकते हो और लगातार इसी तरह से खेलो। आपको 100% अगर 10 मैच का इन्वेस्टमेंट प्लान रखते हो तो 10 मैच के बाद आप प्रॉफिट देख लेना, अगर 5 मैच का रखते हो तो 5 मैच के बाद आप प्रॉफिट देख लेना और फिर से स्टार्ट करना। जहां पे विन करोगे तो ये गलती नहीं करना, जहां पे विन करोगे वहीं से स्टार्ट करना है, फिर से पहले स्टेप पे आ जाना है और वहीं से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से खेलो, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट, तो इसी तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप लोग इस तरह से खेलोगे तो आपका 100% यहाँ पे प्रॉफिट रिकवर रहेगा, आपका लॉस यहाँ पे ज्यादातर नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप खेलो और अच्छे खासे प्रॉफिट बनाओ। वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। ओके।